मेरी तरफ से सबको नमस्कार। तो बुक रिव्यू की सीरीज़ में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूँगा फर्स्ट चैप्टर के बाद, तो आज मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। और सेकंड चैप्टर का नाम है द पावर ऑफ मिस्टेक्स एंड स्ट्रगल। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट, और इनका क्या इम्पैक्ट रहता है एक बच्चे की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। और सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ मिस्टेक्स एंड स्ट्रगल, मतलब कि गलतियां कितनी शक्तिशाली होती हैं और किसी चीज़ के लिए प्रयास करना कितना शक्तिशाली होता है, ये हम जानेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बुक पे अब, और ये हाँ बुक है। इस चैप्टर में जो मुझे कुछ खास बातें लगी वो मैंने हाईलाइट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, आप में से अगर कोई इस चैप्टर को खुद पढ़ना चाहता है तो इस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और चले चलते हैं बाकी। मैंने ये फर्स्ट पेज पे कुछ हाईलाइट किया, इसमें है एवरी टाइम अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन मैथ दे ग्रो अ सिनेप्स, मतलब जब भी बच्चा मैथमेटिक्स में कोई गलती करता है तो उसके ब्रेन में सिनेप्स ग्रो करते हैं। सिनेप्स जो है ये एक सिनेप्स क्या है, मैं आपको भी गूगल पे सिनेप्स पे लेके चलता हूँ। तो सिनेप्स जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल पास करने में हेल्प करता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि सिनेप्स ही हमारी ब्रेन के अंदर मेमोरी की फॉर्म में एग्जिस्ट, मेमोरी जो है वो सिनेप्सिस के फॉर्म में, इंटेलिजेंस जो है वो सिनेप्सिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें बताया गया है कि जब भी बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उसके ब्रेन में सिनेप्स ग्रो करते हैं। देयर वॉज अ ऑडिबल गास्प इन द रूम एज अ टीचर रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। One reason is it is so significant is that it speaks to the huge power and the value of mistakes. Although students everywhere think that when they make a mistake, it means that they are not a math person. तो author यहाँ बता रहा है कि जिस workshop में उसने ये statement दी थी that every time student make a mistake in math, they grow synapses, उस statement के बाद एक खामोशी सी छा गई, और क्योंकि ये statement काफ़ी significant statement लगी, क्योंकि आज तक ज़्यादातर बच्चों का या फिर ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि mistake का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर नॉट मैथ पर्सन, और वर्स सिनेरियो में दैट दे आर नॉट स्मार्ट, मिस्टेक्स आर कंसीडर्ड लाइक दिस मैनी गुड। हाँ, लेकिन ऐसे भी काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा मानते थे। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि मैनी गुड टीचर्स हैव टोल्ड स्टूडेंट्स फॉर ईयर्स दैट मिस्टेक्स आर यूजफुल एंड दे शो दैट वी आर लर्निंग, बट द न्यू एविडेंस ऑन द ब्रेन एंड मिस्टेक सेज समथिंग मच मोर सिग्निफिकेंट। तो ऑथर का कहना है कि हाँ, बहुत से अच्छे टीचर्स जो हैं ये बहुत पहले से अपने बच्चों को ये बातें समझाते आए हैं कि गलतियाँ हमें सिखाती हैं, ठीक है, गलतियों से हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन जो आज की 21वीं सदी में एक इस एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग जिस तरह से रिसर्च के बेसिस पे एविडेंस के साथ हम लोग ये देख पाए कि हाँ, मिस्टेक्स से सम मिस्टेक्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। आगे ऑथर ने बताया है, साइकोलॉजिस्ट जेसन मॉसर स्टडीड द न्यूरल मैकेनिज्म्स दैट ऑपरेट इन पीपल ब्रेन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। तो क्या स्टडी किया उन्होंने, ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इनका कहना ये है कि व्हेन वी मेक अ मिस्टेक द ब्रेन हैज़ टू पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज। तो ब्रेन स्कैनिंग करके या जो भी कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्होंने देखा कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे ब्रेन में दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, एक है ERN रिस्पॉन्स, एक को ERN रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। और ये रिस्पॉन्स किस तरह का है, इज़ इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी,
इस रिस्पॉन्स में हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब जब हम गलती करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है। When the brain experiences conflict between the correct response and an error, तो जब भी हम करेक्ट, जब सपोज हमने एक प्रॉब्लम पे काम किया और जो करेक्ट रिस्पॉन्स था जब हमने उससे कंपेयर किया तो हमारा जो रिजल्ट था वो कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद ऑथर कह रहा है कि इंटरेस्टिंगली दिस ब्रेन एक्टिविटी अकर्स वेदर और नॉट द पर्सन मेकिंग द रिस्पॉन्स नोज दे हैव मेड एन एरर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो जिसको वो ERN रिस्पॉन्स बोल रहा है, ये ब्रेन में इंक्रीज होती है इवन अगर हमें ये नहीं पता कि हमने गलती कहाँ करी है, तभी भी ये ब्रेन में, मतलब कि हमने गलती कर दी, हमें चाहे वो गलती नहीं मिली है, इसके बावजूद भी ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ गई, मींस ब्रेन मोर एक्टिव हो गया, ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उसके बाद सेकंड रिस्पांस जो है वो है PE, आई थिंक इसको पाई बोलें, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट PE, फर्स्ट वाज ERN एंड देन सेकंड इज दिस PE, इज अ ब्रेन सिग्नल टेलीफैक्टिंग कॉन्शियस अटेंशन टू मिस्टेक्स। अच्छा, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये मिस्टेक्स को एक, मतलब कि जब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे गलती है तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन किस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको नाम दिया गया ये PE नाम से। दिस हैपन व्हेन देयर इज अवेयरनेस दैट एन एरर हैज बीन मेड एंड कॉन्शियस अटेंशन इज पेड टू द एरर। आगे बढ़ते हैं हम, ब्रेन स्पार्क्स एंड ग्रोज व्हेन वी मेक मिस्टेक्स even if we are not aware of it because it is a time of struggle, the brain is challenged and this is the time when the brain grows the most. तो जब भी हमारे ब्रेन को हम चैलेंज देते हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो ग्रो करता है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आवर मसल्स। ये शायद से अगर हम मैं मसल्स से कंपेयर करूँ तो आप लोगों के लिए समझना आसान होगा, भाई हमारी मसल्स कब ग्रो करती हैं, जब हम उन पे प्रेशर डालते हैं, जब हम उन पे वर्क लोड डालते हैं। अगर हम कंफर्ट में रहें, खूब खाते पीते रहें, तो क्या मसल्स बनेंगी? क्या मसल्स नहीं बनेंगी। मसल्स कब बनेंगी? जब हम वर्कआउट करेंगे, जब हम अपनी एक्सट्रीम लेवल के परे अपनी बॉडी को पुल करेंगे। एंड सेम गोज विद ब्रेन आल्सो, कि जब हमारा दिमाग सोचने लगता है, सोचता कब है? जब गलती होती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो सोचता है। अगर कोई गलती नहीं हो रही तो हमारा दिमाग अपने ऊपर जोर थोड़ी ना डालता है। तो यहाँ पे ये ऑथर यही कहना चाहता है कि जब मिस्टेक्स जो होती हैं उसमें हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बढ़ जाते हैं, सिनेप्सिस क्रिएट होते हैं और इससे हमारा ब्रेन ग्रो करता है। उसके बाद मसल स्टडी प्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। फर्स्ट, द रिसर्चर्स फाउंड दैट द स्टूडेंट्स ब्रेन रिएक्टेड विद ग्रेटर ERN एंड PE रिस्पॉन्सेज electrical activity when they made mistakes then when their answers were correct. तो जो मॉसेस था उसकी स्टडी से पता चला कि जब बच्चे गलती करते हैं तब हमें ब्रेन में ज़्यादा ERN एंड PE responses दिखाई दिए as compared to जब वो एक सही आंसर देते हैं। सेकेंड, they found that the brain activity was greater following mistakes for individuals with a growth mindset. यहाँ पे फिर से growth mindset का जिक्र आ गया। तो author बता रहा है कि उन्होंने ये भी देखा गया कि वो बच्चे जिनका growth mindset था उनके केसेस में ये ब्रेन एक्टिविटी ये ERN एंड PE responses बहुत ज़्यादा देखे गए as compared to उन बच्चों के जिनका माइंडसेट जो था वो फिक्स माइंडसेट था। द स्टडी ऑल्सो फाइंड दैट इंडिविजुअल विद अ ग्रोथ माइंडसेट हैड अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एरर देन इंडिविजुअल विद अ फिक्स माइंडसेट, सो दे वर मोर लाइकली टू गो बैक एंड करेक्ट एरर्स। दिस स्टडी सपोर्टेड अदर स्टडीज। सो दे आर सम अदर स्टडीज विच आर सपोर्टिंग दिस स्टडी, उसके बारे में ऑथर ने बताया है। और ऑथर ने यहाँ पे फिर से दोबारा से एक बार ग्रोथ माइंडसेट का जिक्र करते हुए उसको सपोर्ट करते हुए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं हम, द पावर ऑफ मिस्टेक्स इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन
As children and adults everywhere often feel terrible when they make a mistake in math. Oh, तो यहाँ पे author कहना चाहता है कि power of mistake, गलतियों की शक्ति के बारे में जो जानकारी है ये बहुत ही critical है, क्योंकि बच्चे और adult इस पूरी दुनिया में आज तक इसी सोच के साथ थे that means अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो we are bad at maths और हम dump हैं. They think it means that they are not math person because they have been brought up in a performance culture in which mistakes are not valued or worse they are punished. क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी में हम बड़े होते आए हैं, आज तक हमारी सोसाइटी के अंदर गलतियों को कभी भी वैल्यू नहीं दी जाती थी, और गलतियों पे वैल्यू नहीं दिया जाना तो एक अलग बात है, उल्टा पनिशमेंट भी मिलती थी अगर हम गलती करते हैं. मैथमेटिक्स की बात करें या किसी और सब्जेक्ट की बात करें या हम जनरल लाइफ की बात करें. उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑथर किसका जिक्र कर रहा है. कंट्रीज दैट टॉप इन द वर्ल्ड इन मैथ अचीवमेंट सच एज चाइना डील विद मिस्टेक्स वेरी डिफरेंटली. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि कुछ ऐसे कंट्रीज जिन्होंने जिनके रिजल्ट्स में मैथमेटिक्स में बच्चे टॉप कर रहे हैं, उनमें जब रिसर्च की गई, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कौन, इनको कैसे पता चला कि चाइना के बच्चे टॉप कर रहे हैं. हर देश में हर क्लासरूम में बच्चे टॉप करते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, चैप्टर वन नंबर वन में एक एग्जाम का जिक्र हुआ था पीसा. हालांकि मैंने भी पहले इस एग्जाम का जिक्र किया था पीसा. ये एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंडक्ट किया जाता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी कंट्रीज से जो भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इस एग्जाम के रिजल्ट के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस देश में बच्चे मतलब कि टॉप परफॉर्म कर रहे हैं. और 2012 का ये रिजल्ट था जिसमें चाइना ने टॉप किया. मैं एक बार चैप्टर नंबर वन में आपको पीसा का एग्जाम दिखाऊं, अगर चैप्टर नंबर वन में इसका जिक्र था उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया था इसके बारे में. और लेट मी टेक इफ आई कैन टेक यू देयर नाउ. चलिए मैं बाद में आपको आपको बताऊंगा इसके बारे में, एक अलग से वीडियो बना दूंगा. हम आगे बढ़ते हैं. आई रिसेंटली वॉच अ मैथ क्लास इन अ सेकेंड ग्रेड क्लासरूम इन संघई. तो ऑथर को ऑथर चाइना के एक संघई शहर के एक छोटे से क्लासरूम में, सेकंड ग्रेड के क्लासरूम में उसने विजिट किया. द एरिया ऑफ द चाइना वेयर द स्टूडेंट स्कोर एट द हाईएस्ट लेवल इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड द टीचर गेव द. तो यहाँ पे देखिए ऑथर का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस क्लासरूम में. टीचर गेव द स्टूडेंट्स डीप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम टू वर्क ऑन एंड देन कॉल्ड ऑन देम फॉर द आंसर. तो टीचर ने बच्चों को, सेकंड क्लास के बच्चों की बात चल रही है यहाँ पे, बच्चों को एक डीप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दी और उसके बाद बच्चों से उनके आंसर्स पूछे. एज द स्टूडेंट्स हैप्पीली शेयर देयर वर्क द इंटरप्रेटर लीन्ड ओवर एंड टोल्ड मी दैट द टीचर वॉज चूजिंग स्टूडेंट हु हैड मेड मिस्टेक. सरप्राइजिंगली उस क्लासरूम के अंदर जब बच्चे अपना रिस्पॉन्स बता रहे थे तो टीचर उस तलाश में था कि किस बच्चे ने गलत आंसर दिया, किसने सही दिया. उसको प्रेज करने की बजाय वो उसकी तलाश में था कि किसने गलत आंसर दिया. और देखना सर आगे क्या किया. चूजिंग द स्टूडेंट हु हैड मेड अ मिस्टेक द स्टूडेंट वर प्राउड टू शेयर देयर मिस्टेक्स एज मिस्टेक्स वर वैल्यूड बाय द टीचर. और ऑथर के लिए ये सरप्राइजिंग था कि उस क्लासरूम में बच्चे बड़ी खुशी से अपनी गलतियां शेयर कर रहे थे टीचर के साथ, क्योंकि उस टीचर ने एक ऐसा कल्चर अपने क्लासरूम में सेट किया हुआ था जहां पे गलतियों को प्रेज किया जाता था, गलतियों को डिस्कस किया जाता था कि क्या रीज़न था कि ये गलती हुई. और बच्चे इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते थे गलतियों को, क्योंकि टीचर ने कहीं ना कहीं अपने बच्चों का ये माइंडसेट सेट किया हुआ था कि गलतियों से डरना नहीं है. जब भी आप गलती कर रहे हो, उस गलती के बारे में सोच रहे हो, तो समझ लेना आपका ब्रेन, आप अपने ब्रेन को वर्क दे रहे हो, आप अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हो जिससे आपका ब्रेन ग्रो करेगा. आगे लेके चलता हूँ मैं आपको. इफ़ यू बिलीव दैट वी कैन लर्न एंड दैट मिस्टेक, ओके दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. मैं आगे लेके चलता हूँ. मिस्टेक इन लाइफ, तो देखिए मिस्टेक, गलतियों का जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पे ऑथर ने कुछ बताया है. स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एंड
unsuccessful business people show something surprising. What separates the more successful people from the less successful people is not the number of their success, but the number of mistakes they make, with the more successful people making more mistake. तो यहाँ पे author ने बताया कि स्टडीज के बेस पे ये कंक्लूजन किया गया कि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा गलतियां करी होती हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी केस स्टडी है स्टारबक, ये एक कॉफ़ी शॉप है अमेरिका में, थ्रू आउट अमेरिका इसके इसके आउटलेट्स हैं, और इसके इसमें आप चाहें तो आप खुद इसको पढ़ना, इसमें इस केस स्टडी में बताया गया कि किस तरह से इन्होंने गलतियां करी, गलतियों से सीखा और फिर कैसे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन मिले बने। इसके बाद यहां पर जिक्र हुआ है पीटर सिम्स, अ राइटर फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, हैज रिटन वाइडली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिस्टेक्स फॉर क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। तो यहाँ पे पीटर सिम्स का जिक्र किया गया, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में काफ़ी बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरह से जो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने गलतियाँ बहुत करी और गलतियों को पॉजिटिव वे में लिया। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ, हाउ कैन वी चेंज द वे स्टूडेंट व्यू मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे हम अपने बच्चों के पर्सपेक्टिव को बदलें गलतियों की तरफ। तो यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव अ टीचर और अ पेरेंट कैन मेक इज इन चेंजिंग द मैसेजेस दे गिव अबाउट मिस्टेक्स एंड रॉन्ग आंसर्स इन मैथमेटिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो है कि आप जब आपके बच्चे कोई गलत आंसर देते हैं तो आप अपने बच्चों को किस तरह का रिस्पांस देते हैं इसमें बदलाव किया जाए, किस तरह का बदलाव किया जाए, मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद बात की जा रही है व्हेन वी टीच स्टूडेंट दैट मिस्टेक्स आर पॉजिटिव इट हैज ए इनक्रेडिबल लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन देम। आई आस्क पार्टिसिपेंट टू डिजाइन, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है ऑथर ने एक वर्कशॉप ली थी और उस वर्कशॉप में ऑथर ने पार्टिसिपेंट टू डिजाइन ए न्यू एक्टिविटी दैट वुड रिपोजिशन मिस्टेक्स इन क्लासरूम और इन होम। तो ऑथर ने अपने पार्टिसिपेंट को वर्कशॉप में अपने पार्टिसिपेंट को कहा कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करो जिसके हेल्प से आप पार्टिसिपेंट टू डिज़ाइन अ न्यू एक्टिविटी दैट वुड रिपोजिशन मिस्टेक इन क्लासरूम, जो कि मिस्टेक्स को एक 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 नया नज़रिया दे पाए क्लासरूम में। और पार्टिसिपेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ आए और यहाँ पे ऑथर ने दो एक्टिविटीज़ हमारे साथ शेयर करी हैं जो मैं आपके साथ अभी आपको बताऊंगा। वन ऑफ माय फेवरेट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द टीचर हु टोल्ड मी शी वुड स्टार्ट द क्लास बाय आस्किंग अ स्टूडेंट टू क्रम्बल अप अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट एट द बोर्ड व्हेन द फीलिंग्स दे हैड when they made a mistakes in math। तो टीचर ने कहा, यहाँ पे एक टीचर जो इस एक्टिविटी के साथ आया जो ऑथर को बहुत पसंद आई वो ये थी कि वो अपनी क्लासरूम को स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लासरूम की बिगनिंग में वो क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि आप एक पेपर के एक कागज को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के उसकी बॉल बना दो एक तरह से, और फिर बोर्ड पे ऐसे मारो जैसे आप जब आप कोई गलती करते हो आपके अंदर जो वो फीलिंग होती है उसी फीलिंग के साथ उसको बोर्ड की तरफ मारो। और वो बच्चों को इस एक्टिविटी को कराएंगे और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड टू लेट आउट देयर फीलिंग यूजुअली वन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाय हर्लिंग देयर क्रम्बल्ड पेपर एट द बोर्ड। बोर्ड पे उन्होंने पेपर मारा, शी देन आस्क्ड स्टूडेंट टू रिट्रीव देयर पेपर स्मूथ इट आउट एंड ट्रेस all the crumpled lines on the paper with a colored marker which represented their brain growth। फिर टीचर ने कहा कि फिर मैं बच्चों से कहूंगी कि वो उस पेपर को जिस पेपर को उन्होंने फेंक के मारा था उसको उठा करके लेके आए, उसको सीधा करें और उसके बाद उस पेपर पे जो भी क्रीज बन गई हैं, जो भी लाइनें बन गई हैं, उन लाइनों को कलर मार्कर से ड्रॉ करें। और देखिए फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का शेप बन के आया बच्चों के पेपर में। और उसके बाद टीचर ने बच्चों को क्या मैसेज दिया, हाँ, क्रम्बल लाइन, द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू कीप द पीस ऑफ पेपर इन द फोल्डर ड्यूरिंग द स्कूल ईयर एज अ रिमाइंडर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मिस्टेक। उसके बाद टीचर ने कहा कि इस पेपर को अपने साथ रखना और ये पेपर तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि गलतियाँ
कैसे हमारे ब्रेन को ग्रो करती हैं। तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी लगी ये मुझे भी। और इसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अनदर स्ट्रेटेजी फॉर सेलिब्रेटिंग द मिस्टेक्स इन क्लास इज टू आस्क स्टूडेंट टू सबमिट वर्क ऑफ एनी फॉर्म इवन टेस्ट पेपर। तो बच्चों से पूछा एक ग्रुप टीचर्स का आया कि मेरी जो एक्टिविटी वो ये है कि मैं बच्चों से कहूँगा कि आप अपना कोई भी काम सबमिट करें, वो आपका टेस्ट पेपर भी हो सकता है। और उसके बाद टीचर देन हाईलाइट देयर फेवरेट मिस्टेक। उसके बाद टीचर क्या करेंगे उसमें मिस्टेक, टीचर्स ने जब वो उनका फेवरेट वर्क ले लिया उसके बाद उनमें जो मिस्टेक्स थी उनको हाईलाइट किया टीचर्स ने। एंड टीचर शुड शेयर विद द स्टूडेंट दैट दे आर लुकिंग फॉर देयर फेवरेट मिस्टेक विच शुड बी कंसेप्चुअल मिस्टेक नॉट न्यूमेरिकल एरर। टीचर कैन देन शेयर द मिस्टेक्स विद द क्लास एंड लॉन्च अ क्लास डिस्कशन अबाउट वेयर द मिस्टेक्स कम फ्रॉम एंड व्हाई इट इज अ मिस्टेक। तो देखिए कैसे टीचर ने फिर उन मिस्टेक्स को बच्चों के साथ डिस्कस किया और कि किस तरह से ये मिस्टेक हुई, मतलब कि एक डिस्कशन क्रिएट किया मिस्टेक्स के अराउंड बजाय की कॉन्सेप्ट के अराउंड। दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टू रीइंफोर्स इम्पॉर्टेंट message is that when the student made this mistake it was good because they were in a stage of cognitive struggle and their brain was sparking and growing. It is also good to share and discuss mistakes because if one student makes a mistake we know others are making them also, so it is really helpful for everyone to be able to think about them. तो ये एक्टिविटी मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि क्लास में बच्चों का वर्क लेकर के और उसके बाद उसमें से मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके फिर बच्चों को वापस दिया और फिर कहा गया कि हम जो भी मिस्टेक्स हैं आपकी वो मिस्टेक्स आप लोग डिस्कस कीजिए और वो मिस्टेक्स क्यों आई कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता था। तो मिस्टेक्स के अराउंड डिस्कशन किया, कहीं ना कहीं ये बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजा गया दैट मिस्टेक्स आर इम्पॉर्टेंट, मिस्टेक्स आर नॉट यूजलेस, mistakes are not to be erased, mistakes are to be kept with us. और आगे इसी के साथ और कुछ that's it. So इस chapter में यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ share करना चाहता था। इसके अलावा मैंने एक PPT बनाई है जिसके अंदर मैंने इस chapter में जो भी learnings थी वो सारी की सारी point out करी है। आप लोगों के लिए एक notes बने हैं, आप लोग चाहें तो इनको पॉज करके वीडियो को इनको पढ़ सकते हैं। तो फिर अगली बार के लिए जल्दी दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय।